नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 15 जून मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। देवास के कंजर चुरा रहे उज्जैन से बाइक्स। शहर में एकाएक बाइक चोरी की वारदातों के पीछे देवास के कंजर गिरोह का हाथ है। ये ऑन डिमांड शहर से बाइक चुरा रहे हैं। देवास के कंजर इतने शातिर हैं कि उन्हें दिन में वारदात करने से डर भी नहीं लगता है। पिछले दिनों हुई 3 बाइक चोरी में इन कंजरों का ही हाथ है। कंजरों ने ताजा वारदात 2 दिन पहले बुधवारिया क्षेत्र में की थी। एक बाइक से 3 कंजरों ने दीपक शर्मा की होंडा मोटरसाइकिल उड़ा ली थी। दिन दहाड़े महज 2 मिनट में ही मोटरसाइकिल उड़ा कर तीनों बदमाश भाग निकले थे। शहर में हो रही वाहन चोरी की वारदातों से लोग डरे हुए हैं और पुलिस की भी नींद उड़ी हुई है। हालांकि पुलिस वाहन चोरी की इन वारदातों को कंजर गिरोह से जोड़कर देख रही है। इसकी वजह है वारदात का तरीका। अब तक वाहन चोरी की घटना में 2 से 3 लोग शामिल रहे हैं। ये तरीका कंजरों का है, वो समूह में ही वारदात को अंजाम देते हैं। दूसरा है बहुत ही कम समय में बाइक का लॉक तोड़ देना। कंजरों को बाइक का लॉक तोड़ने में पारंगत होते हैं। वो महज 1 मिनट में ही लॉक तोड़कर बाइक स्टार्ट कर लेते हैं। ऑन डिमांड करते हैं चोरी, महज 1 मिनट में उड़ा देते हैं बाइक। कंजर वाहन चोरी और वाहन कटिंग में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। वो ऑन डिमांड चोरी करते हैं। ऑन डिमांड यानी जिसमें ग्राहक की डिमांड पर बाइक से वाहन चुराया जाता है। मसलन यदि कोई ग्राहक कहे कि उसे पल्सर मोटरसाइकिल चाहिए तो गिरोह पल्सर ही उड़ाता है। दिन में करते हैं वारदात। कंजर गिरोह वारदात को दिन में अंजाम देता है। इसकी वजह ये है कि दिन के समय वाहन सड़कों पर ही आसानी से खड़े मिल जाते हैं। इन्हें चुराना बेहद आसान होता है। अपने इलाके में वारदात नहीं। पुलिस से बचने के लिए कंजर अपने इलाके में वारदात नहीं करते हैं। वारदात के लिए वो पड़ोसी शहर को चुनते हैं। इसकी वजह है उनकी पड़ोसी शहरों में आसान पहुंच होती है। वो आधे से 1 घंटे की दूरी वाले शहर का चयन करते हैं ताकि वारदात को अंजाम देकर तेजी से अपने घर पहुंच सके। खुद चोरी की गाड़ी से नहीं चलते। कंजर खुद के लिए कभी भी चोरी की गाड़ी का उपयोग नहीं करते हैं। उनकी गाड़ी खुद की खरीदी हुई होती है और इसके कागजात भी वो हमेशा अपने साथ रखते हैं ताकि चेकिंग की स्थिति में वो आसानी से निकल सके। चामुंडा माता चौराहे पर मंगलवार सुबह आगर तरफ से आ रही आयशर और मोपेड के बीच हुई टक्कर में एक वृद्ध की मौत हो गई है, जबकि उनकी बहू बुरी तरह से घायल हो गई है। कुशलपुरा में रहने वाले 60 साल के गोपाल सिंह पिता पोप सिंह बहू कृष्णा राठौर के साथ शादी में शामिल होने मोपेड से देवास जा रहे थे। सुबह करीब 7 बजे वो चामुंडा माता चौराहे से ओवरब्रिज की तरफ बढ़े ही थे कि आगर की तरफ से आई तेज रफ्तार आयशर ने उनके मोपेड को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मोपेड आयशर के नीचे फंस गई और गोपाल सिंह के सर पर से टायर निकल गया। बहू मोपेड से दूर फिका गई और उसके सर में भी गहरी चोट आई है। जैसे तैसे गोपाल सिंह को आयशर के नीचे से निकालकर जिला अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कृष्णा राठौर को परिजन बेहतरीन उपचार के लिए निजी अस्पताल में ले गए हैं। धार्मिक शहर उज्जैन में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सोमवार रात अस्पताल से घर लौट रहे एक मैनेजर की कार पर अज्ञात बदमाशों ने फायर कर दिया। मैनेजर की कार बदमाशों के एक्टिवा से टकरा गई थी। गोली चलने की वारदात सोमवार रात करीब 11 बजे हुई थी। मैम एवेन्यू में रहने वाले नवीन पिता बाबूलाल शर्मा शिंदे ऑर्थोपेडिक अस्पताल में मैनेजर हैं। वो दोस्त चंद्रशेखर के साथ कार से घर आ रहे थे। 0 पॉइंट ओवरब्रिज से नीचे अरविंद नगर की तरफ उतरते ही अचानक उनकी कार के सामने एक एक्टिवा आ गई। ब्रेक लगाते लगाते भी कार एक्टिवा से भिड़ गई। एक्टिवा सवार 3 बदमाश विवाद करने लगे और इसी बीच एक बदमाश ने देसी पिस्टल निकाल ली। शर्मा कुछ समझते इससे पहले ही उसने फायर झोंक दिया। शुक्र रहा कि शर्मा नीचे झुक गए और गोली उनकी कार के अगले शीशे को तोड़कर पार हो गई। शर्मा ने देवास गेट थाने में वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पान विहार चौकी के मेड़ में पति ने प्लॉट बेच दिया। पत्नी की आपत्ति से नाराज पति ने पत्नी एवं बच्चों का सर फोड़ दिया। दरअसल मीण का मोहनलाल पेशे से छोटा किसान है। उसके पास एक गांव में ही प्लॉट था। मोहनलाल ने प्लॉट का सौदा तय कर 20,000 रुपए में एडवांस भी ले लिए थे। इस पर ही पत्नी राधाबाई को आपत्ति थी, वो जमीन नहीं बेचना चाहती है। दोनों के बीच शनिवार शाम विवाद हुआ था। रात खाना खाने के बाद मोहनलाल घर से बाहर सोने चला गया था, जबकि पत्नी राधाबाई बेटी मोहन कुंवर बाई और बेटे सुनील के साथ घर के भीतर सोई थी। आधी रात को अचानक मौसम बदला तो मोहनलाल घर के भीतर आ गया। इसी दौरान उसने हथौड़ी से राधाबाई बेटी मोहन कुंवर और बेटे सुनील पर हमला बोल दिया। मारापीटी में राधाबाई और मोहन कुंवर का सिर फट गया। राधाबाई को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। के साथ में पापा ने मारकूट की और जगह के लिए लड़ाई हुई थी और मैं मम्मी बोलने गई, इसके लिए उसको मारा।
तीनों में बैठो। इंगोरिया के सुनेड़ा से उन्हेल बारात में शामिल होने एक पिकअप में जा रहे एक परिवार की तीन महिलाएं स्टेयरिंग फेल होने से बुरी तरह घायल हो गई हैं। उपचार के लिए तीनों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उपचार के दौरान एक महिला की मौत हो गई। हादसा सोमवार शाम उन्हेल के पिपलिया के पास हुआ था। सुनेड़ा से पिकअप से बारात उन्हेल जा रही थी। इसमें फूली बाई पति आत्माराम, मानू बाई पति भोलाराम और रेशम बाई पति सेवाराम भी शामिल थी। पिपलिया के पास पिकअप का स्टेयरिंग अचानक फेल हो गया तो पिकअप एक पेड़ से जाकर टकरा गई। हादसे में फूलाबाई, मानुबाई और रेशमबाई घायल हो गए हैं। पायलट मनोज फिरोंदा और ईएमटी सुरेश मीणा सभी को जिला अस्पताल लाए। यहां उपचार के दौरान रेशमबाई ने दम तोड़ दिया है। ये घटना सुनेड़ा के पास की है। पिकअप पलटी खा गई थी जिसमें करीबन 8 से 10 लोग घायल थे। उनको हम जैसे हमें सूचना मिली हम इंगोरिया से उनको लेकर आए। इंगोरिया हॉस्पिटल में कुछ लोगों को भर्ती किया जिनको नॉर्मल चोट थी, बाकी जो क्रिटिकल कंडीशन थी उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उज्जैन लेके आए। तीन पेशेंट है, तीनों महिलाएं हैं, इनको प्राथमिक उपचार करते हुए इनको यहाँ उज्जैन लेके आए। दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयाँ एवं निशुल्क घर पहुँच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12-80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। एसिड माफिया रात के अंधेरे में नदियों में एसिड गिरा जा रहे हैं। नागदा के एसिड माफिया अलग अलग क्षेत्र में एसिड को ठिकाने लगाने का गोरख धंधा कर रहे हैं। नदियों में एसिड डालने से सिंचाई में उपयोग हो रहे पानी के कारण खेत बंजर हो रहे हैं। आलोट से 6 किलोमीटर दूर भोजाखेड़ी के पहाड़ी क्षेत्र में नागदा के नामचीन माफिया ने यह एसिड डाला है। इस वजह से 500 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन बंजर हो गई है। ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि प्रदूषित पानी पीने से 50 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। माकड़ों की देसी शराब दुकान से 13 मई को चोरी की गई शराब पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जब्त कर ली है। चोरी के वक्त कस्बे में लॉकडाउन लगा हुआ था। देसी शराब की दुकान से 86 पेटी शराब चोरी हुई थी। ये वारदात मोहन बड़ोदिया के मालीखेड़ी निवासी जितेंद्र गुर्जर ने की थी। उसने चोरी की गई शराब में से 30 पेटी शराब नानियाखेड़ी निवासी देवी सिंह और 10 पेटी शराब सुंदर सिंह के चरण गुर्जर एवं सोनू गुर्जर को बेच दी थी। 6 पेटी शराब वो पी गया था। ऐसे में 40 पेटी शराब बरामद की है। वारदात करने में सारंगपुर का अब्दुल मलिक और रहीस भी जितेंद्र गुर्जर के साथ थे। अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि रहीस फरार चल रहा है। ये घटना दिनांक 13/5/2021 को देसी शराब दुकान झुमकी रोड पर माकड़ों में 86 पेटी बदमाशों ने अपनी पिकअप वाहन से चोरी करके ले गए और काफी प्रयास के बाद जिसमें अपराध क्रमांक 161/31 धारा 457-380 का मुकदमा कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपने सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल टावर, लोकेशन पूरा उसका इस्तेमाल करके पता चला कि ये आरोपी दर्शक प्रयास आरोपी जितेंद्र गुर्जर निवासी मालाखेड़ी, ज्ञान सिंह गुर्जर निवासी अनखली, जीवन गुर्जर निवासी मालाखेड़ी और संजू गुर्जर निवासी परी को गिरफ्तार किया। जिन्होंने बताया कि माकड़ों देसी दुकान से 13/5 को 86 पेटी चोरी। पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस के बढ़ते दामों को लेकर युवा कांग्रेस ने भुरासा फाटा पर पेट्रोल पंप पर हाथों की तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं पेट्रोल भरवाने आए युवकों को तिलक लगाकर और हार फूल पहनाकर विरोध प्रदर्शन किया है। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ ने कहा कि जब पेट्रोल डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम है तो हमारे देश में एवं मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम आसमान क्यों छू रहे हैं? क्या मोदी देश के मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब तबके के लोगों को और उनकी कमाई के साधन को देखते हुए पेट्रोल डीजल, घरेलू गैस और खाने के तेल के भाव कम करे ताकि आम आदमी की दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं सस्ती हो सके और भारी भरकम दबाव कम हो सके? युवक कांग्रेस द्वारा आज लगातार देश में महंगाई जो बढ़ रही है उसके विरोध में आज जो बुरा सा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाना आया उसका तिलक लगाकर और हार पहनाकर स्वागत किया गया और देश के प्रधानमंत्री से
मांग की गई है कि पेट्रोल और लगातार महंगाई को कम किया जाए, नहीं तो हमारे द्वारा लगातार ऐसे आंदोलन किया जाए। हाटपिपलिया थाना पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान कार का पीछा कर चोरी का माल जब्त किया है। पुलिस को चोरी का माल तो मिल गया, लेकिन चोर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस बदमाश की तलाश कर रही है। दरअसल रात्रि गश्त के दौरान भमोरी के आगे पेट्रोल पंप के पास पुलिस ने शंका होने पर एक कार का पीछा किया। घेराबंदी के दौरान चालक कार छोड़कर भाग निकला। टीआई पंकज द्विवेदी ने बताया कि जब्त कार में कोरियर कंपनी इकॉम एक्सप्रेस के 8 बोरे रखे हुए थे। बोरों में अलग अलग प्लास्टिक के पैकेजेस थे। इससे स्पष्ट होता है कि इकॉम एक्सप्रेस की ऑनलाइन डिलीवरी का माल कंजरों ने ट्रक कटिंग कर उतार लिया और रात में इसे घानीघाट ले जाया जा रहा था। जब्त कार रमेश कंजर निवासी धानीघाट के नाम रजिस्टर्ड है। जब्त सामान की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। हाटपिपलिया पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। कल रात को हमें मुखबिर से सूचना मिली कि एक कार हुंडई में कुछ सामान लेकर तेज गति से जा रहे हैं। आरक्षक जीवन मालवी कर्णावत को सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर आरक्षक जीवन मालवी ने कार क्रमांक MP41CB0343 का पीछा किया और जब उसे ये पुष्टि हो गई कि इसमें कुछ ऐसा संदिग्ध माल है तो उसने मुझे भी अवगत कराया। तत्काल हमने रात में घेराबंदी करके इस कार को ग्राम चासी और रैली के बीच में पकड़ लिया। चूंकि बदमाशों का लगातार 3 तरफ से पीछा हो रहा था तो वो अंधेरे और उनकी गाड़ी जहां फंसी मौके का फ़ायदा उठाकर भाग पाने में सफल हो। इस मामले में हुंडई कार को जब्त कर लिया है। साथ ही जब इस गाड़ी की तलाशी ली गई तो इस कार में 09 बोरे ईकॉम एक्सप्रेस संभवतः कुरियर कंपनी है उसके पैक मिले। जब इन बोरों को हमने ऊपर से चेक किया तो इसमें अलग अलग थैली पैकेट्स वगैरह मिले हैं, जिसे प्रतीत हो रहा है कि ये ऑनलाइन कुरियर डिलीवरी का माल है और अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स हैं इसमें। इसमें 4 बोरे हमारे पास में पूरे प्लास्टिक टैग से बंद हैं और 5 बोरे बम्बई या रस्सी से बंद पाए गए। पूरे माल को और इस कार को थाने लाकर हमने जब्त कर लिया है और अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध 41(1)(4)(CRPC), 102(CRPC)/379(IPC) का पंजीबद्ध कर लिया है। कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल, यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का ICU और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस है। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहां का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगर गांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।